हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इस क्लास में, मतलब कॉन्सेप्ट। वैसे तो इंग्लिश की क्लास ही रोज़ होती है इस चैनल पे 1 बजे, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स पे। और लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, मतलब स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी के होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज थोड़ा अलग है, आज कॉन्सेप्ट की क्लास है। तो बीच बीच में कभी कभार कॉन्सेप्ट की भी होती है। वैसे आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहें डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, तो वो उसके लिए प्लस की क्लास है। तो खैर, आज हम लोग कॉन्सेप्ट ही करेंगे और एक टॉपिक देन और टू का कंपैरिजन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप क्लासेस कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप एडमिशन लें, UPSC एंड UPSSSC, तो आपके इसमें UP वाले सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पहले तो आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें जिस एग्ज़ाम की भी आपको तैयारी करनी है वो, और फिर टीचर्स की प्रोफाइल जिनसे आपको पढ़ना है उनको फॉलो कर लीजिए। उनके प्रोफाइल पे जाके फॉलो पे क्लिक करिए, तब आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे फ्री क्लासेस के। और अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, मतलब पेड बैच ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक। और इसमें टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा, उनकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं अगर आपको मिस हो जाए, क्लैश हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। फिर हर तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे और वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशंस, मास्टर क्लास, ये सारी चीज़ें ऐसे बीच बीच में होती रहती हैं। अनलिमिटेड टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप अपने को इम्प्रूव कर पाएँ, ये देख पाएँ कि आपको कहाँ पे कमी है थोड़ी, और रैंकिंग आएगी इंडिया और स्टेट लेवल पे, सब आती है रैंकिंग। स्टडी मटेरियल आपको पूरा PDF फॉर्म में मिलेगा, चाहे वो क्लास नोट्स हो चाहे अलग से हो। और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो डाउट आप अपने जो सवाल हो उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करके भी पूछ सकते हैं और बोल के भी पूछ सकते हैं। एक नया फीचर आया है ऑडियो फीचर, उसमें आप बोल के अपने सवाल पूछ लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है। अब इसमें आपको फ़ायदा क्या है अकेडमी ज्वाइन करने पे, एक तो क्वालिटी क्वांटिटी आपको दोनों मिल रहे हैं। अकेडमिक ऑफरिंग्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको 15,000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज एक अलग से चलती है जिसमें मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे और पिछले 10 सालों के इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 साल का लें तो 4 महीने एक्स्ट्रा। और ये रेफरल कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा SZ10, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें। लक्ष्य नाम से UPSC PCS मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। प्रगति नाम से RO का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट, 10 बजे सैटरडे को होता है सुबह, ये डेट लिखी है, इसके आप हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हैं। फिर डुअल एजुकेटर सेशन एक है, या ऐसे होते रहते हैं, 6 अक्टूबर 8 बजे फ्री मिन, ये दीपेन सर और विपुल सर आपको इसमें लास्ट मिनट एडवाइस देंगे, गाइडेंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के फ्री मिनी कोर्स हैं, ये टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे 4th, 5th, 6th, ऐसे ही नए नए कोर्स आते रहते हैं। टारगेट बैचेस होंगे प्लस में, मेंस ऑप्शनल का जैसे बैच है फरवरी से रोटेशन में चल रहा है। प्रैक्टिस कोर्स एक है UPSC प्रीलिम्स CSAT का 30 सितंबर से। लक्ष्य नाम से 1 साल का प्री प्लस मेंस का बैच है, ये 6 से। एक्सपेडिशन नाम से इंग्लिश मीडियम क्रैश कोर्स एक चल रहा है GS प्रीलिम्स का, तो एक सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके सब एग्जाम्स इसी में कवर हो जाएंगे। कोड आपको बताया SZ10, जिससे डिस्काउंट मिलेगा। ये देख लीजिए यूपी कैटेगरी की फीस, 1 महीने से 2 साल तक की फ़ीस है, ये है 13,600, अब बढ़ के हो गई है, इसको आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 12,240 हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, ये फ़ीस है। अलग अलग ड्यूरेशन हैं वो आप देख लें, कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट से भी अप टू 10% डिस्काउंट है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यूपी बिहार के कम्बाइंड है और 6 महीने और 12 महीने की ये फ़ीस लिखी हुई है। और ये देख लीजिए, मतलब इसमें दोनों स्टेट्स के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे।
6:30 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, 4 बजे प्लस की क्लास पेड क्लास, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और 1 बजे यूट्यूब के जो आप देख रहे हैं इस चैनल पे, आप अनअकैडमी ऐप पे भी प्रोफाइल सर्च करके फॉलो कर लीजिए तो नोटिफिकेशन आपको आने लगेंगे, शीना नौरीन इतना नाम वहाँ पे सर्च करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं देन और टू का यूज़। अब देन और टू कहाँ यूज़ होते हैं वो देख लें, क्या डिफरेंस है इनका। देखिए पहली चीज़, ये दोनों वर्ड्स आते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ। कंपेरेटिव डिग्री अब कंपेरेटिव डिग्री है क्या, जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्री होती हैं। अब शॉर्ट में बिल्कुल समझ लें एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड, जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता। जैसे आप कहें अशोक इज़ अ गुड मैन, तो गुड मैन कह रहे हैं तो गुड का रिलेशन आदमी से हो गया, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। या यू आर सिक, तुम बीमार हो, तो यू को सिक डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। या शी इज़ टॉल, ये एडजेक्टिव्स हैं, टॉल जैसे हो गया। और इनकी डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्री होती हैं जो उस क्वालिटी की लिमिट दिखाती हैं कि वो क्वालिटी किस हद तक है। देखिए अब डिग्रीज, पहली है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रीज हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बेहतर, सबसे अच्छा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लंबा, ज़्यादा लंबा, सबसे लंबा। तो तुलना करने के लिए जब दो के बीच में बात हो रही हो तो वो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगी, 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव। इसी तरह से इंटेलिजेंट वर्ड, अब इंटेलिजेंट की कोई डिग्री नहीं है तो मोर लगा कर बनेगा, मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव हो गया और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव। ये 3 है। तो अब इनके हिसाब से अब देखना है कि कंपेरेटिव डिग्री तो हम लोगों ने देख ली क्या है, तुलना करने के लिए जो वर्ड आए, इनके साथ देन आता है और टू आता है जो कंपेरेटिव होते हैं। तो अभी देन को करें, जैसे देखिए रोहित इज टॉलर देन अमित, रोहित अमित से ज्यादा लंबा है, कंपैरिजन हो रहा है, देन आया यहाँ पे, ज्यादा लंबा देन यूज हो गया। अगला अनूप वॉज बेटर देन सुनील, अनूप सुनील से बेटर था, बेहतर था, कंपेरेटिव डिग्री। दिस प्लेस इज मोर फेमस देन माई शॉप, ये जगह मेरी दुकान से ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे सभी में कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री लाए हैं तो देन का यूज़ हुआ, देन ये हमेशा आता है। अब लेकिन हम लोग देखें कि देन तो आता ही है, लेकिन कभी कभार जब देन नहीं आता तो क्या आता है। अब ये थोड़ा स्पेशल रूल है, ये कुछ ही वर्ड्स पे ये वाला रूल अप्लाई होगा जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। 3 कॉलम्स बना लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए अब पॉजिटिव डिग्री में नहीं, यहां पे जूनियर, सीनियर,
सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल, ये पांच वर्ड्स हैं। इनके साथ कुछ स्पेशल रूल अप करेंगे। ये वर्ड्स बिल्कुल अलग तरह से यूज़ होते हैं, जबकि ये हैं कंपेरेटिव डिग्री के ही। जूनियर सीनियर, आपको एज पता होगा, एज में कम, एज में ज़्यादा, या एक्सपीरियंस हो सकता है। सुपीरियर का मतलब क्वालिटी में बेहतर, इन्फीरियर मतलब क्वालिटी में कम, प्रेफरेबल मतलब जिसको प्रेफर किया जाए, प्राथमिकता दी जाए, ज़्यादा पसंद किया जाए। सुपरलेटिव लिख लीजिए, जूनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट। अब पहली अनोखी बात इन वर्ड्स के बारे में ये है कि इन तीन, बाकी जो तीन बचे वर्ड्स, इनका कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, कोई सुपरलेटिव इनका है ही नहीं। दूसरी चीज़, कोई पॉजिटिव डिग्री किसी का नहीं है, पांचों वर्ड्स का है ही नहीं। तो ये बिल्कुल अलग तरह से इसीलिए यूज़ हो रहे हैं, अनोखे वर्ड्स इसीलिए हैं। अब पहला पॉइंट, फिर और क्या अनोखी बात है। पहली चीज़, पहला तो कुछ ऐसा अनोखा नहीं है, मोर ऑब्लिक मोस्ट प्लस सी डी या एस डी। यहाँ पे अब रूल ये है कि जो सी डी एस डी वाले वर्ड्स हैं, मतलब ये पांच वर्ड्स प्लस ये दो वर्ड्स, इनके साथ मोर या मोस्ट अगर आप ला रहे हैं तो वो रॉन्ग है। मोर या मोस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है, खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है, कैसे आ जाएगा। बस आप ये सोचिए, क्या मोर बेटर होता है, मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट? मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट नहीं होता, तो मोर या मोस्ट नहीं आएगा, उसी तरह यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो सारे वर्ड्स हैं कंपेरेटिव डिग्री के, इनके साथ देन लाएं तो ये गलत है। देन लाएं फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ भी लाएं तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो गया। और लास्ट तीसरा पॉइंट, फिर सही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये सही है। मतलब है कि इन सारे वर्ड्स के साथ कंपेरेटिव डिग्री जो है, ये इनके साथ टू लाइए और ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाइए। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे आई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह आएगा आई एम गोइंग, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। फिर ऐसी है ही, इसका ऑब्जेक्ट हिम, शी ऑब्जेक्ट हर, वी ऑब्जेक्ट अस, दे ऑब्जेक्ट देम, यू, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। ये फॉर्म्स हैं। तो आपको क्या करना है, जूनियर सीनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रेफरेबल, इनके साथ मोर या मोस्ट नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, टू आएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, जैसे मी, हिम, अस, ये सब होगा। अब देखिए इससे एग्जांपल्स। पहला सेंटेंस, अमित इज मोर जूनियर देन विकास। अमित इज मोर जूनियर देन विकास। ये रॉन्ग है सेंटेंस, सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये तो कई कई मिस्टेक्स हो गई। मोर नहीं आना चाहिए था, फिर देन नहीं आना चाहिए, टू आएगा, जूनियर टू, ये होगा विकास, ये हो गया विकास। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई मतलब ही नहीं, सेम ही रहेगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगला है
सुमन इज मोर सुपीरियर देन आई। मैं मोर सुपीरियर देन और आई, गलत, इसकी जगह होगा सुमन इज मोर, हटा दीजिए सुपीरियर, ये हुआ सुपीरियर के साथ टू आया और साथ में ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ये सुपीरियर टू मी, तो इस तरह से सही। तो कैसे भी पूछ सकते हैं, कभी वो सुपीरियर के पहले मोर वाली गलती दे देंगे, कभी देन के बजाय टू, वो टू के बजाय देन दे देंगे, कभी आई कर देंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, ऐसे आपको सही करना है। तो ये देख लें, फिर आगे पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। एक और सेंटेंस, मैं ये सेंटेंस तो बहुत आता है एग्जाम में, ही इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, मोर रॉन्ग, मतलब कॉफी के कंपैरिजन में लोग टी को ज्यादा पसंद करते हैं चाय को, तो टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, हो गया मोर हट गया और टू आ गया, ये सही है। अच्छा, एक मिस्टेक लोग करते हैं बोलने में कि टी इज प्रेफरेबल ओवर कॉफी, ओवर भी नहीं आएगा, प्रेफर हो चाहे प्रेफरेबल हो, सिर्फ टू ही सही है, सिर्फ टू ही आता है। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग से क्या किया, वैसे तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन यूज करना है, देन आएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं ये बस ही चार, जूनियर सीनियर सुपीरियर इन्फीरियर प्रेफरेबल, इनको याद रख लीजिए, इनके साथ देन नहीं आता, टू आता है उसकी जगह। अब देखिए, अब इसी रूल के आगे की चीज़ है, देन टू को लेकर मिक्सअप क्या हो सकता है, एक बार चेक कर लें कहीं बंद हो गया हो। चलिए ठीक, देखिए अब देन टू मिक्सअप, पीछे की स्लाइड सारी मिट जाती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पीछे करेंगे तो आपको तो दिखाई दे ही जाएगा। मिक्सअप का मतलब क्या है, अब सेंटेंस समझते हैं, सेंटेंस से फर्स्ट का पहला सेंटेंस, अब देखिए क्या ये गलत है, रोहन इज टॉलर देन रमेश, रोहन इज टॉलर देन रमेश, टॉलर के साथ तो देन ही आता है, तो ठीक है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, तो सही है बिल्कुल। अब सेकेंड सेंटेंस, रोहन रमेश से ज्यादा लंबा है, रोहन इज बेटर देन रमेश, रोहन रमेश से बेहतर है, ये भी ठीक है, बेटर के साथ भी ध्यान आता है। मान लीजिए ये दोनों बातें सेम सेंटेंस में कहनी है कि रोहन रमेश से ज्यादा लंबा और बेहतर है, तो अब कैसे कहें सेम सेंटेंस में, तो रोहन इज टॉलर देन एंड बेटर देन रमेश, ये देखिए क्या ये करेक्ट होगा,
क्या दो दो बार दैन आएगा? दो बार दैन लाने का कोई मतलब नहीं है, जब दोनों के साथ दैन ही आ रहा है तो एक ही बार लिखिए। तो रोहन इज टॉलर एंड बेटर देन, बस बाद में आ जाएगा, रोहन इज टॉलर एंड बेटर देन रमेश, ये बहुत सही, टॉलर एंड बेटर देन। अब अगला देखिए, तो रिपीट नहीं होगा, जब एक ही वर्ड आ रहा है सेम वर्ड तो एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट है पायल इज सीनियर टू अंकिता, ठीक है सीनियर के साथ टू आता है। फिर पायल इज सुपीरियर टू अंकिता, ये भी ठीक है, अब दोनों बातें सेम सेंटेंस में, तो देखिए दोनों क्या हुई, पायल सीनियर और सुपीरियर दोनों है, पायल इज सीनियर टू एंड सुपीरियर टू अंकिता, क्या दो बार कहने की जरूरत है? जैसे पिछले वाले में दो बार नहीं लाए थे, जब दोनों में दैन ही आ रहा था तो एक बार लिखेंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी तो दोनों बार टू आएगा, दोनों के साथ टू ही आ रहा है तो एक बार लिखिए, पायल इज सीनियर एंड सुपीरियर टू अंकिता, इस तरह होगा, दो बार नहीं। अब तीसरे सेंटेंस में, तीसरा अब थोड़ा अलग हो जाएगा, तीसरे का पहला, पायल इज वाइजर देन अमित, वाइजर है देन आया, सही है। पंकज इज प्रेफरेबल टू अमित, प्रेफरेबल के साथ टू आता है, ये भी ठीक है। अब हम लोगों को ये दोनों बातें सेम सेंटेंस में कहनी है, तो आप कैसे कहें? पंकज इज वाइजर एंड प्रेफरेबल टू अमित, अब क्या यहाँ पे दो दो बार आएगा? प्रेफरेबल के साथ टू आता है, ठीक है आ गया प्रेफरेबल के साथ टू, लेकिन अगर हम लोग एक बार टू लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें एक बार टू लिखा था, सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड का तीसरा लास्ट सेंटेंस जो लिखा है, अगर एक बार लिख रहे हैं तो इसका तो ये मतलब निकला कि हम लोग एक बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों वर्ड्स के साथ सेम आता है टू, तो एक बार ही लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी टू एक बार होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाइजर और प्रेफरेबल दोनों के साथ टू ही आ रहा है, वाइजर के साथ तो टू आता नहीं, वाइजर के साथ देन आता है तो वो भी लिखना ज़रूरी है, पंकज इज वाइजर देन एंड प्रेफरेबल टू अमित, ये होगा पंकज इज वाइजर देन एंड प्रेफरेबल टू अमित, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब फोर्थ सेंटेंस, तो मतलब है कि अगर सेम वर्ड है तो एक बार लिखा, दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो फिर दोनों लिखिए, दोनों चीजें आएंगी। फोर्थ है अशोक इज सीनियर एंड बेटर देन विनीत, सीनियर एंड बेटर देन विनीत, अब फिर गलती, बेटर के साथ देन आया ठीक, लेकिन सीनियर के साथ तो टू आता है, तो सीनियर टू एंड बेटर देन, सीनियर टू एंड बेटर देन, ये हुआ। नेक्स्ट रोहन इज जूनियर बट मोर मोर इंटेलिजेंट,
मोर इंटेलिजेंट देन अनिल. रोहन इज जूनियर बट मोर इंटेलिजेंट. तो रोहन अनिल से जूनियर है लेकिन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अनिल से जूनियर लेकिन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट. तो फिर यहाँ पे जूनियर के साथ फिर टू, फिर वही है कि टू मोर इंटेलिजेंट के साथ देन आया, ठीक है, लेकिन जूनियर के साथ टू. तो अब वो कुछ भी वर्ड गायब कर सकते हैं एग्जाम में. हो सकता है शुरू में टू गायब किया हो या शुरू में देन किया हो, जैसे यहाँ पे तीसरा सेंटेंस देखिए लास्ट, तो कोई भी चीज़ हो सकती है. तो बस ये रूल है कि अगर सेम वर्ड्स हैं तो एक बार लिखिए, बाद में अगर अलग अलग वर्ड्स हैं तो दोनों लिखे जाएंगे, दोनों लिखने ज़रूरी हैं. अब इसमें क्वेश्चन देख लें. क्वेश्चन है अनिल प्लेस वेरी वेल एंड इज यंगर बट प्रेफरेबल टू यू. ये बी, ये सी, डी है नो एरर. अब देखिए अनिल बहुत अच्छा खेलता है और वो तुमसे यंगर है लेकिन प्रेफरेबल है, मतलब एज में तो तुमसे कम है लेकिन लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं. जैसे सेलेक्ट करना हो तो उसे पहले सेलेक्ट करेंगे. यंगर के साथ देन और प्रेफरेबल के साथ टू आएगा वो तो ठीक है. तो यंगर देन बट प्रेफरेबल टू यू, अनिल प्लेज वेरी वेल एंड इज यंगर देन बट प्रेफरेबल टू यू, इस तरह से सवाल आते हैं. तो बस ये था देन टू का कॉन्सेप्ट. और इसको हम लोग फिर बता दें, प्लस में हम लोग बहुत डिटेल में से पढ़ते हैं. तो प्लस में हम लोग काफी डिटेल में से पढ़ेंगे और प्लस में पूरा पूरा जीरो से हाई लेवल तक जैसे कि बताया पूरा कॉन्सेप्ट होता है. प्लस की क्लास चलती है 4 बजे अनअकैडमी ऐप पे, और फ्री क्लासेस तो दिन भर चलती हैं. फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स देख लें, 9:30 सुबह, 6 बजे शाम को, 9:30 बजे रात में, ये ऐप पे सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप पे. और वहाँ पे आप प्रोफाइल सर्च करके फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगी. और 4 बजे प्लस पेड, और 1 बजे जो आप ये चैनल देख रहे हैं इस पे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे, ये 1 बजे रोज होती है क्लास. कभी कभार बीच में टाइम डिफरेंट हो सकता है लेकिन वैसे यही सेम टाइमिंग है. और आपको यूजफुल लगी हो क्लास, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था, छोटे ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे. पूरा डिटेल के लिए तो वही प्लस है, और इसको भी डिटेल में और ज़्यादा विस्तार से करते हैं उसी में प्लस में. तो आपको यूजफुल लगी हो क्लास आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करना ना भूलें, उसी से आपको नोटिफिकेशन आएंगे. और जैसे आपको प्रोफाइल फॉलो करके अनअकैडमी ऐप के नोटिफिकेशंस आएंगे. और बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. आपको प्राइज मिलेगा अगर ऐसा कुछ होगा और आप सबसे पहले बताएंगे. फ्री क्लासेस जैसे कि बताया स्पेशल नाम से चलती हैं ऐप पे. और जैसे आपने ये क्लास देखी वहाँ पे, तो और आपको अगर आपने फ्री क्लासेस वहाँ पे नहीं की हैं तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग भी आती है. हर क्लास में रैंक होती है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पोल आता है, टॉप 10 के लीडर बोर्ड आता है. और आपको अगर आप टॉप 10 में नहीं भी तो आपको अपनी रैंक पता चलती है कितने में. टाइमर होता है कि आपको 30 सेकेंड्स में या 15 सेकेंड में, 45 सेकेंड्स में आंसर करना होता है. उसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, कंपटीशन वाली भी फीलिंग आती है उसमें. वो क्लासेस ज़रूर करें.
और टेलीग्राम पे भी हम लोगों का एक चैनल है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इसी नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको लिंक और पीडीएफ फॉर्म में, दोनों में नोट्स आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास पे हम मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।